Very rarely in India's political history have electoral fortunes swung quite as dramatically as they did in the assembly elections in Tripura. A party with a 1.5% vote share climbing to 40 plus by itself and close to 50 along with its allies. We're joined at the India Today Conclave East by the man who's been given the responsibility of fixing 25 years of left rule in Tripura. He's never been in government before, but the reason for that also is this party itself in that state has never been in government. Since he's been in power, he's mostly been in the news for not the right reasons, for saying things like Diana Hayden isn't his idea of Indian beauty, or for saying that internet and satellite communication existed at the time of the Mahabharata. We've heard those statements, but on the ground, what is Biplab Kumar Deb trying to do? Ladies and gentlemen, at the India Today Conclave East, can you join me in giving a very warm round of applause as we welcome to the dais the young, dynamic Chief Minister of Tripura, a case study for the RSS and the BJP. On his success or failure, on his shoulders, lie the BJP's ambition for India's Northeast. So he is a very important man in senses beyond just the position that he holds, and the position that he holds by itself is very significant. Biplab Deb, welcome to India Today Conclave East. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हमेशा आप न्यूज में अपने किसी बयान को लेके ही आते हो कि डायना हेडन इंडिया की ब्यूटी है कि नहीं है, कि महाभारत के टाइम पे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस था या नहीं था. आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आपके काम के बजाय आपके बयानों पे ज़्यादा हो रहा है? शुरुआत एक जगह से होती है, उसके बाद चलते हुए रास्ता को देखना चाहिए. इसलिए शुरुआत में बैठे नहीं रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और चलते समय क्या कर रहे हैं वो असेसमेंट करना चाहिए. जिसने जो भी बयान आई है उसके ऊपर जिनको अच्छा लगा वो भी मेरे दिल में है, और जिनको अच्छा नहीं लगा वो भी मेरे दिल में है. और जो मैंने कहा आगे चलना चाहिए, और आगे चल के जो त्रिपुरा का जो डेवलपमेंट है जो 40 साल से रुकी हुई है उसी दिशा में ही मेरा सरकार का. तो सबसे पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में बिप्लव आप हमें ये बताएं कि पिछले 6 महीने में आपने किया क्या है, अब तक आपके हिसाब से त्रिपुरा को डेवलपमेंट के रास्ते में ले जाने के लिए आपने अचीव क्या किया? देखिए राहुल जी, आपका नाम बहुत सुंदर है राहुल, कहाँ से शुरुआत करूं? मैं सीएम बनने के बाद जब ये दायित्व मिली है कहाँ से शुरू करूं? उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी मेरा, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई सिस्टम नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी त्रिपुरा में. 25 साल की एक सरकार, लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री, और खुद को क्लीन मुख्यमंत्री के नाते पेश किया गया है. मैंने सोचा था मेरा कोई काम ही नहीं होगा, जाऊंगा बैठूंगा और पहले दिन से काम शुरू कर दूंगा. 3.5 महीना तो लगा मेरे को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए. किसी भी पॉलिसी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थे. आपको जानकारी है जो त्रिपुरा में 10,323 जो शिक्षक है इनका नौकरी चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, किस कारण से किया था? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने HID मिनिस्ट्री ने जो सेंट्रल एजुकेशन जो पॉलिसी है, टेट चाहिए BEd चाहिए उसके बाद आपको टीचर का जॉब देना चाहिए, नहीं किया, खारिज कर दिया. त्रिपुरा छोटा स्टेट है, उस स्टेट में 10,323, हरियाणा में छोटा सा घोटाला हुआ तो जेल में चला गया. तो इस तरीके से किसी में भी, पहले तो मेरे को जहाँ जाता हूँ मैं आते ही, मेरा सरकार आते ही हमने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति लाया, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं, 100% रिटेन. और
वहाँ क्या होता था, आप कम्युनिस्ट के कैडर होंगे तो आपको चाहे तो बीपीएल कार्ड तक, अंत्योदय कार्ड तक आपको कैडर होना पड़ेगा, उस पार्टी का सपोर्टर होने पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है राज्य का। और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी किसी जगह पे, मेरे मैंने आने के बाद ई टेंडरिंग मैंने शुरू किया पूरे देश में, अलग अलग राज्य में ई टेंडरिंग कब से शुरू हो गया था, पीडब्ल्यूडी में पी टेंडरिंग, ई टेंडरिंग शुरू किया, ई स्टैंपिंग शुरू किया, ई चालान शुरू किया, ई क्लासरूम शुरू किया, स्वास्थ्य शुरू किया है, ई चौपाल शुरू किया है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति लाया है, उसके बाद महिला के लिए 10% रिजर्वेशन लाया है होम डिपार्टमेंट में हॉरिजॉन्टल, उसके बाद आपके जो एडुकेशन पॉलिसी है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ 97.23% लिटरेसी रेट है त्रिपुरा का, किंतु नेशनल जो एवरेज है उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो ओनली 16 है। तो मैंने देखा क्या कारण है, किस कारण से हो रहा है, तो देखा उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जाए, सिलेबस उस तरीके से नहीं है, तो हमने डिसीजन ली जो हम एनसीईआरटी का सिलेबस को अनुवाद करेंगे और त्रिपुरा में लागू करेंगे 19 से। मुझे ये बताइए कि त्रिपुरा में इतने सारे यंग वर्कर्स थे, आपकी उम्र 47 ईयर्स की है, 47 साल के हैं आप, आपके हिसाब से बीजेपी ने, आरएसएस ने आपको क्यों चुना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए? आप तो कभी कोई मंत्री वंत्री रहे नहीं थे, आप तो कोई ऐसा स्टेट के बाहर जानता नहीं था, इतनी अहम जिम्मेदारी पूरी नॉर्थ ईस्ट की आपके कंधों पे बीजेपी और संघ ने क्यों डाली? ये तो अमित भाई शाह को पूछना चाहिए, क्योंकि अमित भाई शाह जी ने चुना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी है, तो उनको पूछना चाहिए आप इनको क्यों चुना है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आपकी कोई तो थ्योरी होगी, व्हाई वर यू द चोजन वन, आपकी क्या थ्योरी है? नहीं मेरा तो पार्टी, देखिए अमित भाई ऐसा व्यक्ति है जो रणकौशल भी उनके सामने हार मानती है, उनका अलग अलग एक टेस्ट रहता है, मैंने देखा कौन सी स्टेट में क्या प्रयोग करने का, इनके अंदर वो है नयापन, कुछ प्रयोग करता है, तो मेरे को भी उठाया, मैं त्रिपुरा का ही हूँ, बहुत दिन से दिल्ली में रह रहा था, और अमित भाई ने बातचीत की, बुलाया, और उनको लगा जो उनको भेजना चाहिए, तो पहले मेरे को अध्यक्ष नहीं बनाया, 8 महीना मैं जनसंपर्क का प्रमुख बन के स्टेट का गया था, और मैंने पूरे त्रिपुरा घूमा, आफ्टर देन 6 जनवरी प्रेसिडेंट बनाया स्टेट की, स्टेट प्रेसिडेंट, और बाकी जो काम किया पूरे टीम के साथ काम किया, और रिजल्ट तो आपके सामने है। ये ऐसी खबर काफ़ी उड़ी कि आपको काफ़ी डांट पड़ी अमित शाह से, जब आपके 2-3 बयान हेडलाइंस में आए, उन्होंने बोला रहे तुम्हें काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया, तुम बयान देते हो, क्या हो रहा है ये, मत करो ऐसे सब। देखिए मेरे को तो ऐसा अमित भाई ने, मैं आपको अमित भाई भी देख रहे हैं, मेरे को अमित भाई ने ऐसा कभी नहीं बोला। नहीं वो डांटा भी होगा तो टीवी पे थोड़ी आके बताएंगे कि मैंने डांट लगाई अपने आदमी को। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं राजनीति में हूँ और तो स्वाभाविक तौर पे जैसे राजनीति का भाषा होना चाहिए उसी तरीके से जाना चाहिए, किंतु मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, आप अमित भाई को पूछ लेना, अमित भाई ने मेरे को कभी नहीं डांटा। नहीं डांटा ना। देखो लोग भी सोच रहे हैं कि माने ना माने, हो भी सकता है नहीं हो सकता, मतलब 50-50 है ऑडियंस भी अभी। नहीं डांटा नहीं, बट जिस दिन से आपने बोला ना तब से मेरे दिमाग में ये सवाल था कि अगर आपके हिसाब से डायना हिडन इंडियन ब्यूटी नहीं है तो कौन है? ऐश्वर्या राय है वो तो समझ में आया, लेकिन उसके अलावा कौन है? देखिए मेरे त्रिपुरा के ब्यूटी में जाइए आप, त्रिपुरा बहुत सुंदरी है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप लोग आओ त्रिपुरा, आके देखो त्रिपुरा को, बहुत सुंदर है, और इतना सुंदर है, पूरी जी अभी बोल रहा था, बोले टूरिज्म में तो आपका स्टेट बहुत आगे जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, 3 साल के अंदर त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाएंगे, ये अमित भाई शाह ने इलेक्शंस के पहले भी बोला था, मैं आपको करके दिखाऊंगा, 3 साल के अंदर त्रिपुरा मॉडल स्टेट बनेगा। अच्छा एक नया नेता अवतार हम देख रहे हैं, जब पिछली बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय इंडियन ब्यूटी है, डायना हिडन नहीं, इस बार ऐश्वर्या राय आउट हो गई, त्रिपुरा की ब्यूटी एंटर हो गई। मेरे आप 6 महीने में आप एकदम सॉलिड पॉलिटिशियन बन गए। नहीं देखिए ये
जनता सर्वोपरि पब्लिक है वो सब कुछ सिखाता मैं बहुत पब्लिक के पास रहता हूँ नज़दीक रहता हूँ उनका टेस्ट क्या है वो क्या चाहता है वो मेरे से सुंदरी त्रिपुरा मांग रहा है इसलिए मैं आज त्रिपुरा के बाहर कुछ नहीं सोचता हूँ मेरे तन मन में सब में त्रिपुरा है नहीं बल्कि डायना हेडन ने हम लोगों को फ़ोन किया बात की उन्होंने उन्होंने बोला कि ये गलत है ये बड़ा स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है कि इंडियन ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है कौन क्वालिफाई करता है कौन नहीं अगर डायना हेडन देख रही है आप उससे अपोलोजाइज करना चाहेंगे कि गलती हुआ देखिए मैं सिर्फ डायना हेडन को ही नहीं आप मेरे बयान देख लीजिए मेरा काम देख लीजिएगा मैं जिस देश में मेरा जन्म हुआ है वो मातृतांत्रिक देश है माँ को सम्मान किया जाता है बहन को सम्मान किया जाता है इस देश में आज से नहीं लाखों साल पहले से तो इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है बा वो अपने काम में सफल नहीं हो सकता जब तक माँ को सम्मान नहीं करेगा बहनों को सम्मान नहीं करेगा मेरे स्टेट में इसलिए तो बोला 10% महिला के लिए रिजर्वेशन किया पुराने सरकार रहे तो महिला के ऊपर इतना अत्याचार होते थे 86% इंडियन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी क्या है आप माँ बहन सब बीच में ला रहे हैं उसमें देखिए सुंदरता का डेफिनेशन मेरे को लगता है राहुल जी नहीं कटरीना कैफ दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा मतलब आप चूज कर लीजिए वो देखिए सुंदरता डेफिनेशन हमको लगता है राहुल जी आप भी कम नहीं जानते आप भी तो सुंदर लगते हो आप बोलते देखो शर्मा गया नहीं नहीं मैं नहीं शर्माया ये देखो मेरे को सिर्फ मेरे को अगर देखिए अगर कोई लड़की यहाँ बहुत लोग सोच रहे हैं बोले राहुल कितना प्यारा लग रहा है चलो ठीक है आजादी है अभिव्यक्ति की नहीं सचमुच आप बताओ पहले नहीं सचमुच नहीं मैं डायना नहीं हाउस को मैं बोल रहा हूँ अच्छा आप हाउस में बोल रहा हूँ राहुल जी आप चुप राहुल जी अच्छा ये प्यारा नहीं लगता देखो वाह सर वाह मेरी टांग खींच रहे दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज पहले शुरू हुए ऐश्वर्या राय से अब रिवर्स स्विंग करते हुए ऑपोजिट साइड पे आ गए ये तो ठीक है नाउ मुझे ये बताइए कि आप कन्विंस्ड हैं इस बात से कि इंटरनेट महाभारत के टाइम पे भी था सैटेलाइट कम्युनिकेशन महाभारत के टाइम पे भी था अभी देखिए मैं आपको बताऊं क्यों कुछ लोगों को मेरे देश की जो ऊंचाई थे उसके ऊपर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है दूसरे दुनिया से ढूंढ के लाता उस देश में ये वहाँ जीवाश्म मिली है इसमें डायनासोर थे इतने लाखों पुराना है निकाल के लाता है ना हमारे देश में इतने सारे जो महाभारत हो रामायण हो वेद हो उपनिषद हो इतने सभ्यता है इसको सच्चाई कोई माने ना माने किंतु ये तो बात है जो संजय देख रहा था और बैठ के बोल रहा था तो कुछ ना कुछ तो थी कोई तो था नहीं क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती है कि टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में इंटरनेट एज वी नो इट उसको इंट्रोड्यूस किया ये तो एक तरीके से बिप्लब स्पीक्स बिप्लब वो बड़ा इंटरनेट पे दौड़ रहा है इसे बिप्लब थ्योरी बिप्लब स्पीक्स ये इंटरनेट महाभारत के टाइम पे भी था या आपको किसने बताया अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने बताया मैं अभी बताता हूँ एक चीज को आपने मेरे पूरे बयान को देखना चाहिए पढ़ना चाहिए आपने एक चीज उठा लिया तो वो ठीक नहीं है मैंने कहा कुछ तो थी इंटरनेट थी नहीं तो सैटेलाइट थी कुछ तो थी नहीं तो कैसे हो सकता तो वो चीज नहीं है कुछ तो था नहीं तो कैसे हो सकता राहुल जी आप यहां बैठ के बता सकते हैं क्या आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री और माइथोलॉजी में फ़र्क है ना माइथोलॉजी भी तो हो सकती है माइथोलॉजी में कहानियां गढ़ी जाती हैं और रिकॉर्डेड हिस्ट्री और माइथोलॉजी को कंफ्यूज करना देखिए इसमें टेक्नोलॉजी थी ऐसा कन्विंस्ड है मैं टेक्नोलॉजी थी ना हो एक व्यक्ति कहाँ युद्ध हो रहा है बैठ के घर में बता रहा है ऐसे कैसे नहीं जिनको भारत के जो सभ्यता का जहाँ हमारा सभ्यता सबसे बेस्ट था सबसे ऊँचाई थी जिनको प्रॉब्लम है उनको लगता है अपने देश को छोटा करना है अरे मेरे माँ सबसे बड़ा है उसके बाद आपके माँ है मेरा देश सबसे बड़ा है इसलिए मेरे देश में जो भी घटी है उनके देश में कुछ बोलता होता है तो बोलता है हमारे इसमें ये था और उस कारण से हमने ये बनाया
तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे देश के बारे में क्यों नहीं बताओ? संस्कृति में, इस देश में और क्या क्या चीजें थी इतिहास में जो कि लोग हम एक्नॉलेज नहीं करते? मैं गर्व करता हूँ, मेरा ये देश है, पूरे दुनिया में मैंने किसी भी देश में नहीं हुआ। जो सम्राट अशोक एक राजा थे, सम्राट थे, और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद राजधर्म त्याग करके सन्यास हो गया। कहाँ है दुनिया में उदाहरण ऐसा? ये भी तो इसी धरती में है, सम्राट है जिसके अंदर इतना भूख था दुनिया जीतना पड़ेगा मेरे को, और कलिंग युद्ध हारा नहीं, जीता है, किंतु इतने लोगों को जब देखा, इतने लोग मेरे द्वारा इस युद्ध के कारण से खत्म हो गया, और उस जिसके अंदर जुनून था मेरे को दुनिया जीतना है, राजधर्म के प्रति मैंने राजसत्ता ऐसे उसके ऊपर जुनून हावी था, और उन्होंने छोड़ दिया, किसी ने प्रेशर नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं पहले तुमको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के सन्यास बन गया। है दुनिया में किसी देश में, किसी देश के पास नहीं है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में और कहीं नहीं है? ऐसे तो मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा जो इस देश में कोई नहीं। जैसे देखिए, आपके पूरी जी भी है यहाँ, जो मैं आपके जो ग्रुप है, लगातार आपके ग्रुप किस तरीके से मीडिया में एक नंबर बने रहे आज तक में मेरे देश में। तो हमारे देश का आबादी बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़ के आसपास, उस तरीके से देखे तो उसका परसेंटेज देखिए लोकप्रियता का, यूरोपियन कंट्री में बहुत पॉपुलेशन कम होती है, तो परसेंटेज में जो आपका जो चैनल है उसका भी जो बनाया रखता है वो भी तो क्वालिटी है, वो भी उसमें आती है। हम लोगों का भी वोट शेयर बहुत ज़्यादा है, हम लोगों का वोट शेयर भी बहुत ज़्यादा है ना, और वो अलग विषय है। तो इस देश में आप एक एक करके देखेंगे तो बहुत सारी शूरवीर साइंटिस्ट, जगदीश चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, तो सत्य के पथ में, माने आप सत्य में चले, और कैसे इंग्रेज से देश को स्वाधीन किया जा सकता है किस तरीके से, वो महात्मा गांधी ने दिखाया। इतना बड़ा देश है, इस देश में आप गिनते रहिए, आप बाकी सब देश में आपको मिलेगा गिने चुने दो तीन चार, यहाँ कहाँ गिनेंगे आप? पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, एक एक करके गिनते रहिए, आपको हजारों ऐसा मिलेगा। आपने जन्म की बात की, मैं देख रहा था कि काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी जैसे बराक ओबामा को लेके अमेरिका में हुई, जहाँ पे सवाल उठ रहा था कि ओबामा का जन्म कहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा विवाद हो गया। वैसा ही एक विवाद त्रिपुरा में चल रहा था कि ये बिप्लब देब बांग्लादेश में जन्मे हैं कि त्रिपुरा में जन्मे हैं, आपके पेरेंट्स बांग्लादेश से आए थे आपके पिता, लेकिन यही विकिपीडिया कहने लग गया कि बिप्लब देब भी बांग्लादेश से आए हैं, ऐसे टाइम पे जब बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं, किसी को पाकिस्तान में जन्म हुआ, किसी का बांग्लादेश में जन्म हुआ, तो इस देश में सीएम भी रहे हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ इस धरती में भी सीएम रहे हैं बांग्लादेश में जन्म लिए व्यक्ति। तो इसलिए मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा तो जन्म अभी आपने पूछ दिया, मेरे 1971 25 नवंबर में हुई, त्रिपुरा में हुई, उदयपुर हॉस्पिटल में हुई। अब मैं ये मेरा जन्म बांग्लादेश में न हुआ ना भारत में हुआ है, तो उसको लेके मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा चर्चा करना चाहिए, मेरे काम को लेके करना चाहिए। मैं जनता से चुना हुआ व्यक्ति हूँ, लोगों ने मेरे को एमएलए बनाया है। आपको लग रहा है लोग आपके साथ बदमाशी कर रहे थे विकिपीडिया का आपका पेन चेंज करके, ये इम्प्रेशन देने के लिए कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट है इसको भी वापस भेज दो? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ बांग्लादेशी माइग्रेंट है ना क्या है, देश विभाजन के बाद बहुत लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से इस देश में आए हैं, कोई उप प्रधानमंत्री भी बने, कोई सीएम भी बने हैं, इसलिए इसको इशू बना के बात करना ये फिजूल खुर्ची बात है, और हमको लगता नहीं हम लोग इसमें पढ़ना चाहिए, ये कोई इशू ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का इशू त्रिपुरा में भी है, जैसे आसाम में है, जैसे वेस्ट बंगाल में है,
हाल ही में आपके एलआई जो कि आईपीएफटी पार्टी से आते हैं, आपके यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है मेवार कुमार जमातिया, उन्होंने बयान दिया कि त्रिपुरा में भी हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप चाहिए। क्या आपके हिसाब से त्रिपुरा में भी जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का टाइम आ गया है? देखिए, इलीगल माइग्रेंट कहीं भी रहेगा, किसी भी देश में, वो कोई भी देश उनको नहीं रखता, किंतु उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आप करेंगे डिमांड? और मेरे यहाँ अभी त्रिपुरा में भी जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, ऐसा है, त्रिपुरा में अभी भी ये विषय आया ही नहीं। ये विषय तो तब आएगा जब आप लेके आओगे, और कौन लेके आएगा? नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगा? अरे, आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप इरिटेटेड हो इलीगल माइग्रेंट्स, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के पास है अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आसाम में जो एनआरसी लागू किया है, ये आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग किया था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ लागू करना है, क्या करना है, राज्य सरकार के साथ बात करेगी। जब मेरे साथ बात करेगी तब मैं आपके साथ बताऊंगा। नहीं, पर आप अपनी तरफ से डिमांड करना चाहते हो? अपनी तरफ से मैं इस विषय में क्यों जाऊँ अभी? अरे, इलीगल माइग्रेंट्स अगर बड़ी प्रॉब्लम है, बॉर्डर रिडन स्टेट है आपका, आप अगर लग रहा है कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स चेंज कर रहे हैं त्रिपुरा की टोपोग्राफी, जो कि वहाँ की लोकल पार्टीज को लग भी रहा है और आप पे प्रेशर भी हो रहा है, तो आपको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में आके बोलना चाहिए कि इलीगल माइग्रेंट्स को हटाओ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस एनआरसी में किसी को नुकसान हो रहा है आसाम में, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। पहले जैसे कुछ लोग पैनिक करने के लिए 4 MP जा रहे हैं, वहाँ माहौल बना रहा है, आज तो आसाम में एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी आसाम से नहीं निकला। बस उतना ही बोल रहे हैं, नेशनल रजिस्ट्रेशन हो और आपके पास, आप यहाँ जन्मे हो, आपके पास पेपर्स तैयार करो, इसमें कमी क्या है, नुकसान कौन सा हो रहा है? आसाम में शुरू नहीं, हुआ, नहीं आसाम हुआ तो बोलो कि त्रिपुरा में भी आपको एनआरसी चाहिए, आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। आसाम का रिजल्ट आने दीजिए ना, आसाम में क्या, तो पहले आसाम में शुरुआत किया है वो कंप्लीट होने दीजिए, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट तो देखना चाहिए ना आपको। आपको लगता है रिजल्ट निकलेगा या कुछ नहीं होगा? ये तो आसाम मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार कह सकते हैं, और प्रोसेस जो चालू है, तो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट अच्छा होगा तो बाकी सब स्टेट में लागू करेंगे। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो इसके पहले एक स्टेट में प्रयोग शुरू किया है, उसको करने दीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जनता भी है, सभी लोग देख रहे हैं, तो उसको करने दीजिए। इससे नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, वो उसका पूरा फाइनलाइज होने के बाद मेरे को लगता है उसके बाद हम लोग इसमें जाना चाहिए। बहुत बच बच के बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप तम बच बच के, कि जो डेंजरस बॉल आ रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, उसको मैं छोड़ दूं, कहीं आउट ना हो जाऊं करते करते। बात ऐसा नहीं है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, मैं अपने राज्य में सुखी हूँ, सुखी न भवंतु, मैं वही काम करना चाहता हूँ। इसलिए जब को जो करना है वो करें, मैं अपने राज्य में हूँ, मुझे अपने राज्य के ही काम से काम रखना। हाँ, फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार जब राज्य सरकार के पास जब कुछ को लॉ भेजता है, कोई एक्ट भेजता है, तो उसको मैं अपने राज्य के असेंबली। आपने हाल ही में बयान दिया कि त्रिपुरा में ड्रग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट पंजाब से भी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हुए कि म्यांमार की जो ड्रग माफिया है वो आपको डेथ थ्रेट दे रही है। आ रही है आपको डेथ थ्रेट अक्रॉस द बॉर्डर? देखिए, मैं जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हूँ, तो मेरे मन में एक खुशी सा था कि दिल्ली रहे तो आपने भी सुना, जो त्रिपुरा में गोल्डन पीरियड चल रहा है, स्वर्ण युग, बांग्ला में बोलता है स्वर्ण युग चल छे। तो मैंने भी सोचा भाई जाऊंगा तो स्वर्ण युग चल रहा है, तो मुख्यमंत्री बना हूँ तो बहुत कुछ मिलेगा। और मैंने देखा, मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को, सीएस को बताया, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, कोई भी मुख्यमंत्री का पहला काम होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो देखना है। और बैठने के बाद मेरे को रिपोर्ट दिया, 11,500 करोड़ रुपए बोझ है त्रिपुरा के ऊपर, और मैं ये स्वर्ण मुद्रा ढूंढते ढूंढते बाद में गांजा मुद्रा मिले को, 50,000 किलो गांजा मिली है त्रिपुरा से। 50,000 किलो कहाँ मिली? ये अलग अलग जगह पे रेड कर रहा हूँ, वो त्रिपुरा में खेती करके रखा हुआ है इलीगल,
और वो जो छोटे छोटे किसानों को 700 रुपये 500 रुपये किलो में बेचता मिलता है बेचारों को, और वहाँ से उठाते, वहाँ से उठाने के बाद म्यांमार हो, बिहार हो, बाकी सब स्टेट में जाता है, वो 20,000 22,000 रुपये किलो बिकता है। मेरे गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला है, मिडिल मैन को और माफिया लोगों को, ड्रग माफिया को मिलता है 50,000 किलो ब्राउन शुगर, हीरोइन, उसके बाद आपके यवा टेबलेट जो म्यांमार से आता है, टेबलेट खा के माने जनरेशन खत्म हो रहा था सर। वो तो 100 ग्राम में पुलिस को ढूंढते ढूंढते तेल निकल जाता है, आपने 50,000 किलो ढूंढ लिया। 50,000 किलो, 100, 50,000 किलो कैसे एक दिन में नहीं हुई। मेरा दुख इस बात के 25 साल के एक सरकार थी, 25 ईयर्स की, ये 2017 में 8,000 किलो पकड़ा था, 2016 में 4,000 किलो पकड़ा था, मैंने तो नहीं लगाया था, कैसे निकला ये, कौन कर रहा था। 204 आदमी को मैंने जेल में अंदर घुसाया, 17 पुलिस ऑफिसर जेल में है, पूरे सिस्टम इसमें लगा हुआ था, पूरा जनरेशन खत्म कर रहा था त्रिपुरा के, पूरे जनरेशन। अब आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है, मेरे त्रिपुरा ड्रग फ्री होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसी के साथ महिला निर्यातन का जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ड्रग्स लेता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता तो महिला को अत्याचार करता। अभी क्राइम रेट घटा है त्रिपुरा में, डाउन हुई है। अरे किसी भी देश को खत्म करना है तो ड्रग कर उसको अंदर कर दो, बस खत्म हो जाएगी। आपने ड्रग्स की बात की और कहा कि त्रिपुरा की जो यूथ है वो ड्रग्स से क्रिपल हो रही है, उसके बाद आपने वो कर्नल राठौर के फिटनेस चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया आपने, और काफ़ी पुशअप्स भी लगाए, कितने पुशअप लगाते हो आप? मैं 10-15 मिनट में 150 कर सकता। 150 पुशअप नॉनस्टॉप? मैं नॉनस्टॉप नहीं, नॉनस्टॉप तो मैंने 40-45 तो 45-50 तक। नहीं देखो, ज़्यादा बोलोगे तो ऑडियंस बोल भी सकती कि करके दिखा दो। कर ले तो कर दोगे 45 पुशअप्स? मेरा इतना ही 15-20 मिनट सोच के बोलना सर। अभी मैं देखो कोई बोल देगा ऑडियंस से कि करने पड़ गए तो 45 पुशअप्स करने पड़ेंगे आपको। हाँ मैं कर, आप देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? कर सकता हूँ पक्का सर, 45 पुशअप्स कर सकता हूँ पक्का। हाँ मैं करता हूँ। ठीक ठीक लगा लो, मैं करता हूँ। कर दोगे? करते चलो, चैलेंज चैलेंज चलो कर देता मैं तो ज्यादा 15 मिनट्स में मैं इतना कर लेता। 15 मिनट्स नहीं सर, अभी आपने बोला नॉन स्टॉप, बाबा 15 मिनट्स पे आ गए। हाँ कर दोगे? कर दोगे? हाँ। चलो करो। हु विल काउंट? हु विल कीप काउंट? सो द ऑडियंस विल कीप काउंट। 45 पुशअप्स, चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा, कैन वी हैव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज? देखो ये कह रहे ड्रग्स इज अ बिग प्रॉब्लम, ये अच्छा मैसेज भेजना चाहते हैं अपने स्टेट में कि लोगों को फिट होने की जरूरत है, ड्रग्स जो मानिक सरकार की सरकार ने किए उनको किनारे रखते हुए फोकस ऑन फिटनेस। ही इज जस्ट एक्सेप्टेड द फिटनेस चैलेंज ऑफ 45 पुशअप्स। चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा, लेट्स सी इट, कम। हाँ अरे आइए ना, अरे सर यहीं पे एकदम, क्या है इशू? विच वे विच वे? अरे आप कहाँ से आ रहे? ये नहीं नहीं, आप उनके चक्कर में मत रखो। बाबुल सर आपको आना है, आप भी आ जाओ। देखो ही विल बीट यू, दैट्स व्हाई यू आर चिकनिंग आउट। आई एम टेलिंग यू, यू ही विल बीट यू। वो यंग थोड़ा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा का, आपको हरा देगा, इसलिए आप टेंशन खा रहे। डू यू वांट टू सी हिम? ही इज एक्सेप्टेड द चैलेंज, ही इज एक्सेप्टेड द चैलेंज। अरे सर आइए, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया? अरे आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया? वो कह रहे कि साथ में करेंगे, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अब आप से भाग रहे। डू यू वांट टू सी हिम डू द पुशअप्स ऑर नॉट? वो देखो सब खड़े हो गए, आप करते हो तो करके दिखाओ, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? कम ऑन, मैं आपको साथ देता हूँ, मैं आपको साथ दूँ, उससे आपको फायदा मिलेगा। चलो ओके ओके, who will keep count then? Huh? Padmaja will keep count. There you go.
Okay, no cheating. We have to get the posture right, all right? I'm watching. Okay. Ready? On your marks? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Come on, cheer for your teams. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. No, no, Rahul. Posture is not right. Oh. It's almost the same. I don't know how many chief ministers can take up a push-up challenge involving 45 push-ups and pull it off. Can we have a very warm round of applause for the chief minister of Tripura, Biplab Deb? Speed mera jada tha. Sir, meri ginti mein to maine 60 kiye. Wo sab audience cheating kar rahi thi, slow gin rahi thi. Slow gin raha tha. Maine to zyada kiye. Main bhi slow gin raha tha. Cheating, audience cheating kar raha tha. Cheating kar raha tha. To hum dono jeete, audience cheating kar raha tha. बदमाशी कर रहे थे उनकी स्पीड बड़ी स्लो थी गिनने की स्पीड से देखा स्पीड आप यू डिड वेल सर वेल डन सी आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट द चीफ मिनिस्टर इज सेंडिंग आउट वी आर आल्सो विद दिस कमिंग टू अ कंक्लूजन इन दिस आप बैठिए लेकिन दो मिनट तो बात करते हैं आई डोंट नो सी बाबुल सर इज सिटिंग देयर उन्होंने वहीं से ऑडियंस से कॉमेंट्री दिया आई नहीं ऊपर आई नहीं ऊपर ऑडियंस ने इन्होंने बहुत कमेंट्री दिया बट कैन वी हैव अ वेरी वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब देव अच्छा यही फायदा यंग डायनेमिक चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐसे मानिक सरकार तो नहीं कर सकते ना 45 पुशअप्स उन्होंने भी बहुत कुछ किया है जो मेरे को मिला है अभी उनके समय के 50,000 किलो गाजा में अभी सीज कर रहा हूँ तो मेरे को दुख होता मैं व्यक्तिगत रूप से उनको सम्मान करता था बोला आज नहीं करते क्या करता हूँ मेरे को दुख है जिस काम को मैंने शुरुआत किया ये काम आप भी तो कर सकते थे आपने ध्यान ही नहीं दिया वो तो मैसेज भेजते थे कि मैं बहुत सिंपल हूँ बेसिक हूँ पैसा भी नहीं लेता हूँ और पूरा टाइम स्टेट के साथ रहता हूँ इसीलिए इतनी बार जीते 25 साल में देखिए ऐसा नहीं है आज मेरे को 25 साल की गवर्नमेंट है 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिली ओनली तो क्या काम हुआ सरकार क्या होता है सरकार ट्रांसपेरेंसी होती है लॉ एंड ऑर्डर होती है सरकार का पहला काम लॉ एंड ऑर्डर मेरे एक मित्र मैंने देखा बैठा हुआ था बोल रहा था त्रिपुरा में इनके न्यूज़पेपर बंद कर दिए इनके सरकार रहे तो ये प्रतिवादी कलम एक न्यूज़पेपर है ठीक सेम कारण से बंद किया था तो वो क्यों ना रहे इनके सरकार रहे तो पूछिए उनको एक भी पॉलिटिकल मर्डर मेरे सरकार आने के बाद हुई नहीं पर सर सिंगल पॉलिटिकल मैटर इतना बड़ी बहस हो रही थी 3,200 पंचायत चुनावों में बाइपोल हुआ 3,000 में कोई आपके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ आप कहते हो कि लेफ्ट डराता है ममता डराती है अरे बॉस आपके खिलाफ कौन खड़ा हो गया क्यों नहीं खड़े हुए कैंडिडेट देखिए मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ ने कोई खड़ा सब आफ्टर इलेक्शन बहुत लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया था ऐसे लोग जो रिजाइन देने वाले नहीं तो आपने स्टार्ट किया बोले 1.5% से ये कहाँ सा है किसने दिया
ये वही लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की बीजेपी को, और उनको लगता है सरकार आ गई तो हमको, मैंने जब बीजेपी को वोट दिया हमको नहीं रहना चाहिए, रिजाइन दे दिया। हमने ऐसे बहुत लोगों को टिकट दे दिया, अभी वही लोग हैं। मैंने उत्तर प्रदेश से लेके नहीं गया वहाँ बीजेपी। वो सीपीएम के लीडर थे, वो आरोप लगा रहे थे कि आपने एक साइकिल ऑफ फियर क्रिएट कर दिया कि सीपीएम के लोगों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, इसीलिए आपके खिलाफ डर के कोई खड़ा नहीं। मैंने आपको बोला त्रिपुरा में एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ, तो मैंने पहले भी बोला था एक पॉलिटिकल मर्डर दिखाएगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा, जब एलिगेशन लगाया था असेंबली चली, एक पॉलिटिकल मर्डर का प्रूफ उन्होंने असेंबली में पेश नहीं कर पाया। अभी भी रिजाइन हो जाओगे आप अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पार्टी फीस की त्रिपुरा में, कम्युनिस्ट हर जगह पे, गवर्नमेंट हो पब्लिक हो, दो दो मंजिला तीन तीन मंजिला पार्टी फीस बना दिया, कोई पेपर्स नहीं, कुछ भी नहीं, बलपूर्वक हमने इसको सबको तोड़ा। असेंबली में एक भी क्वेश्चन मानिक सरकार भी तो थे, नहीं पूछा। एक पीआई हाईकोर्ट में डाली, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा। और आपने इलेक्शन की बात बोली है, इनको प्रार्थी नहीं मिल रहा था। आप देखिए ना, त्रिपुरा में पंचायत इलेक्शन में किसी का मर्डर हुआ क्या? कम्युनिस्ट का एक व्यक्ति जो उसका उंगली टूटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और इनके समय देखिए, आपके यहाँ लेकिन स्टैचूज टूटे, लेनिन के दो स्टैचू आप लोगों ने तोड़ दिया जाके। देखिए वो काम मैं तब तक बैठा ही नहीं था, मानिक सरकार कैटेगर मुख्यमंत्री थे, जोश में लोगों ने तोड़ दिया। मैं तो बैठा ही नहीं था, मैं तो 9 तारीख शपथ ली, ये 4 तारीख की घटना है। पर आपने अभी सिलेबस से लेनिन स्टालिन की सारी बातें हटा के एनसीईआरटी कर दिया, एक तरीके से पर्ज कर रहे हो, लेफ्ट थॉट को त्रिपुरा से पर्ज करना है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको लेफ्टिस्ट आइकॉन्स के बारे में ना बताओ। ऐसा नहीं होता। हमने जो त्रिपुरा के, आपको मैंने पहले बताया सिलेबस इस तरीके से, अरे मैं भी तो त्रिपुरा का ही पढ़ाऊँ ना, 50 इंडियन हिस्ट्री और 50 वर्ल्ड हिस्ट्री। और अभी त्रिपुरा का आप बुक्स उठा लो जाके, 90% वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें भी क्या रूस विप्लव, लेनिन स्टालिन, उसके बाहर कुछ नहीं है। अरे जिस देश में मेरा जन्म हुआ मैं गांधी को नहीं जानूंगा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानूंगा, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जानूंगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानूंगा, तो इस देश को कैसे पहचानूंगा? ये सब प्लान माफिक होता था, क्योंकि मेरे देश को भूल जाए हमारा, अरे कम से कम मैं तो, जो गोत्र है मेरा का शुभ गोत्र है, जन्म के समय भी पूछता है ब्राह्मण जी, पूजा में भी पूछता है, अरे कोई कुछ करने 3 पुरुष का नाम पूछता है, आपके पिताजी का, उसके बाद परपिता, तो ये है इस देश का। और इस देश के 3 पुरुष का नाम कम से कम हम पूछते हैं, और इस देश में हिस्ट्री से हमारे सब कुछ गायब कर दिया, इस देश को ना जानो। मैं बाहर के देश को जानने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, किंतु पहले तो अपने देश को जानो और उसके साथ उसके बाद आप जानो। विप्लव देब, इस वक्त बीजेपी 19 स्टेट्स में है, लेकिन जितनी अहमियत आरएसएस और बीजेपी के लार्जर गेम प्लान में आपकी है वो बहुत कम चीफ मिनिस्टर्स की। आपका स्टेट बहुत छोटा है लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप यहाँ पे इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, कुछ जो आउट स्विंगिंग बॉल्स थी उनको आपने छोड़ दिया, यानी कि आपके पुशअप्स के साथ साथ आपकी बैटिंग भी इम्प्रूव हो रही है। आप हमारे साथ आए, यू आर अ फैबुलस स्पोर्ट, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच विप्लव देब फॉर जॉइनिंग अस एट द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।